कर्नाटक एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। दोस्तों बता दें आपको कि कर्नाटक में एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच आया राहुल गांधी का रिएक्शन, जानिए क्या कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी किए जाएंगे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, बता दें आपको दोस्तों कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 10 मई को मतदान हुआ। वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं बब्बर शेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को अच्छी तरह से चलने वाले गरिमापूर्ण अभियान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि मैं प्रगतिशील भविष्य के लिए एक बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दूंगा। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। राज्य में 5 बजे करीब 65.69% मतदान हुआ। जी हाँ, एग्जिट पोल में कांग्रेस अभी नंबर 1 पर दिख रही है, लेकिन दोस्तों एंड में पता चलेगा कि कांग्रेस जीतती है या फिर बीजेपी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं। सबका कहना ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस ही आएगी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।